खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर जागरूक करने के लिए संयुक्त सचिव स्वास्थ्य एवं कल्याण परिवार आलोक कुमार बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने सिकंदराबाद देहात के मंडावर भट्टोना जीतगढ़ी पहुंचकर चौपाल लगाई और ग्रामीणों को प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जागरूक किया। साथ ही लाभार्थियों को बीमा योजना में उनके अधिकार के बारे में भी समझाया। संयुक्त सचिव स्वास्थ्य एवं कल्याण परिवार आलोक कुमार ने यहां सिकंदराबाद आने का मकसद लाभार्थियों का डेटा प्राप्त करना भी बताया। इसके बाद लाभार्थी बीमार या दुर्घटना होने पर अस्पताल में सीधे भर्ती हो जाएगा, उसे अस्पताल में कोई कार्ड दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। संयुक्त सचिव के इस दौरे पर बुलंदशहर CMO खुर्जा SDM सिकंदराबाद तहसीलदार भी शामिल रहे। आज सिकंदराबाद में आने का मेरा उद्देश्य ये था कि आज ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत आयुष्मान भारत दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें सभी गांव में ग्राम सभा करने का आदेश है। और ये कि ग्राम सभा में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जो नई नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन आया है प्रधानमंत्री का, उसके अंतर्गत जो लाभार्थी परिवार है उन सबको इस स्कीम के विषय में बताया जाए कि उसमें उनके क्या क्या राइट्स है, क्या क्या एंटाइटलमेंट है, और उसके बाद उनसे डेटा जो है परिवार का संबंधित उसको वैलिडेट कराया जाए, उसका सत्यापन करा के दो अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन ली जा रही है सूचनाएं, एक उनका टेलीफोन नंबर और एक राशन कार्ड नंबर। तो इसका उद्देश्य यह है ताकि आइंदा आगे जाकर उनको कार्ड या कुछ एनरोलमेंट की आवश्यकता ना पड़े। ये लोग जब स्कीम चालू होगी और जो इसके लाभार्थी होंगे वो सीधा अस्पताल में जाकर अपना लाभ इसका ले सकते हैं। सर, अभी जैसे मुख्यमंत्री का यहाँ दौरा था बुलंदशहर में, उससे पहले एक युवक ने ट्वीट किया था जिसमें उसने कहा था कि जो सर्वहित और दुर्घटना बीमा है सरकार की तरफ से चल रहा है, उसमें जो वो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है उसको उसने कई बार उसने वो डाली थी अपील, उसके पिता की कुत्ता काटने से मौत हो गई थी लेकिन कंपनी ने खारिज कर दिया बार बार, वो आत्महत्या जैसी चेतावनी भी दे रहा था मुख्यमंत्री के दौरे से पहले। तो सर, इन पे क्या सुधार किया जाए? देखिए, वो राज्य सरकार की स्कीम है, उस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, ना मुझे उस विषय में कुछ जानकारी है। जो ये आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसमें जो ये राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर चलाएंगे और इसको चलाने का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो राज्य सरकार की होगी, ये इंश्योरेंस कंपनीज की। लेकिन सर, सवाल कर्मचारी और अधिकारियों का, इस तरह से खारिज कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है, ऐसा है। उसके कुछ जरूर कारण रहे होंगे जिसमें मैं जानता नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मतलब बिल्कुल रैंडम किसी ने उसको खारिज किया होगा, कोई वजह रही होगी। तो लेकिन इस विषय में मैं आपको कुछ जानकारी नहीं दे पाऊंगा।